पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू और सरांडा इलाके के जंगलों में पिछले 24 घंटे से जारी भारी वर्षा और घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कोहरे की धुंध इतनी अधिक है कि दिन में भी वाहनों को हमेशा लाइट जलानी पड़ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम होने से घाटी में वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। बारिश की वजह से सरांडा की तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि नदी पार के कई गाँवों का संपर्क शहरों से पूरी तरह कट गया है। शहरों से लेकर गांव तक लोग परेशान हैं और अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। देखिए, कुहासा का टाइम, हम लोग का धंधा पानी ठीक चलता नहीं है, गाड़ी घोड़ा जाने में परेशानी होती है और सब्जी भी बहुत खराब हो रही है। हम लोग का फल की दुकानें हैं, फल की भी खराब हो रही है। और ऐसे भी बाजार हाट का दिन था आज, कुहासा बहुत है और पब्लिक निकल नहीं रही है और परेशानी बढ़ रही है। मैं सुमंत कुमार सिंह पंजाब से चल के आया हूँ किरीबुरू घूमने के लिए। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का बारिश का फुहारा भी काफ़ी, मतलब बिल्कुल मनाली के जैसा यहाँ एंजॉय अच्छा लग रहा है। काफ़ी मौसम जब बिल्कुल काफ़ी देख रहे हैं यहाँ, ओले ओले हल्के 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 ओले के ओले पड़ रहे हैं, फुहारा भी है बारिश का, काफ़ी ओस भी गिर रहे हैं। किरीबुरू का मौसम ऐसे फॉग का मौसम बहुत सुहाना है, इसमें घूमने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परेशानी बहुत है। इसमें कपड़ा नहीं सूखता है फॉग के कारण, कपड़ा मतलब सफ़ेद से काला हो जाता है, लेकिन पर्यटक के दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो घूमने आते हैं यहाँ पर उसको बहुत अच्छा लगता है मौसम, लेकिन जो यहाँ पर आ रहे हैं उसको बहुत दिक्कत होता है और थोड़ा सा गाड़ी ये सब चलाने में भी दिक्कत हो रहा है, और मौसम बहुत अच्छा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।